मुझे एक्चुअली लगा था कि मैंने प्रॉमिस किया तो मुझे निभाना पड़ेगा, मुझे ये शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज फैमिली करण लूक था, लेकिन लेकिन करण तो एक प्रॉमिस के लिए हम तेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकते ना पुत्र। हाँ बेटा, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तोड़ दे प्रॉमिस। आप लोगों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता कि मैं शादी करूँ। उस वक्त मैंने जो भी किया मुझे सही लगा, इसलिए मैंने मोनिशा को वादा कर दिया शादी का, लेकिन अब नहीं, अब वो मेरे दोस्तों की इंसल्ट करने लगी है। उसकी बेइज्जती करने लगी है बेवजह, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह बनेगी, एग्जैक्टली वैसे मुझे पपेट बना के रखेगी, और मैं हस्बैंड पपेट बनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और बेटा तू ये भी तो नहीं चाहता होगा ना कि वो संतोषी की तरह हमारे पूरे परिवार का मर्डर ही करते। ये स्टोरी सुनाने से पहले ना आप अपने फैक्ट्स क्लियर कर लेते। आई मीन जिस संतोषी की आप बात कर रहे हो ना, वो आज 23 साल की होगी। आई मीन कम ऑन, मैंने आर्टिकल में डेट देख ली थी, इस वक्त वो 23 साल की होगी। आपका रोका हुआ था उसके साथ, कम ऑन यार। और दादी बुआ आप लोगों को भी ना झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। ऋषभ देख मेरे भाई, तू फंसा था मैंने तुझे बचाया, अब मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकाल, जो कर सकता है वो कर, मुझे ये शादी नहीं करनी यार, प्लीज यार। मतलब तेरी वजह से मैंने ये बिल्ली वाली घंटी ना अपने गले में बांधी है, प्लीज मुझे सबसे बांध निकाल। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही पुत्र, घंटी तो तूने बांध ली है, मेरा मतलब है पूरी मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादी कल है। अब इस सिचुएशन में शादी से पीछे हटना आसान तो नहीं होगा। एक तो तूने मीडिया के सामने अनाउंसमेंट कर दी शादी की, और ऊपर से उस लड़की ने कुछ पे मोलेस्टेशन का केस किया हुआ है जो सबके गले पे तलवार बन के लटक रहा है। मुझे यही सुनना था, अब हम सारे मिलकर हमारे करण को उसके चंगुल से बाहर निकालेंगे। एक चीज हमेशा सबको याद रहे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, कल है शादी, मैक्स 24 घंटे हैं हमारे पास, और कल सुबह तक हमें प्लान रेडी चाहिए। ओके, यस, नाउ लेट्स डू दिस। यस, लेट्स डू दिस। क्या बात है, सब लोग बड़े खुश लग रहे हैं। अच्छा राखी जी, अब हम चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे, चूड़े और कलीरे की रस्म करनी है ना। अच्छा जी। वो एक्चुअली जब से मेरी और करण की शादी की अनाउंसमेंट हुई है ना, तब से सारी मीडिया क्रेजी हो गई है। इनफैक्ट अभी घर के बाहर जाऊंगी ना तो सारी मीडिया बैठ के मेरा इंतजार कर रही है।